चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां अजय सिंह चौटाला ने सांसद बीरेंद्र सिंह पर बोला हमला। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आज भिवाड़ी के रिवाड़ी खेड़ा गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अजय चौटाला ने भाजपा सांसद बीरेंद्र सिंह पर भड़कते हुए सफेद पत्र व रिपोर्ट कार्ड जारी करने की मांग कर डाली। वहीं उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह और बीरेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। वहीं पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर अजय चौटाला ने कहा कि पंजाब की जनता कांग्रेस की खराब नीतियों के कारण दुखी हो चुकी थी, जिस कारण से आम आदमी पार्टी की जीत हुई। वहीं खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने की इजाजत दी तो वे अवश्य चुनाव लड़ेंगे। वहीं पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा की गठबंधन सरकार के नेताओं में भी खटास बढ़ने की चर्चा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत और बीरेंद्र सिंह आने वाले 25 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं। इस पर अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी में आना जाना तो लगा रहता है, कुछ धरातलहीन लोग तो पार्टी से यहाँ वहाँ होते रहते हैं, इस बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं। हिसार के सांसद बीरेंद्र सिंह ने 2 दिन पहले जींद के एक जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी माता प्रेमलता देवी ने हिसार क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला से ज्यादा काम किया है। अजय चौटाला ने सांसद बीरेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्यादा तारीफ हो रही है तो सफेद पत्र व रिपोर्ट कार्ड जारी कर देख लेते हैं किसने कितना काम कराया है। बीरेंद्र खुद बताएं कि वो लोगों के बीच कितना जाते हैं और कितने लोगों का काम कराते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।